वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। हर वीडियो शूट करने के लिए मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरे ड्रोन को करना पड़ता है, तो क्यों ना मेरे ड्रोन के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक 21.8 किलोमीटर लॉन्ग देश का सबसे लंबा सी ब्रिज, जो मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को बहुत आसान कर देगा। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं इस ब्रिज का प्रोग्रेस। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक का और एक नाम है सेवरी नवसेवा ट्रांस हर्बल लिंक, क्योंकि ये ब्रिज शुरू होता है साउथ मुंबई के सेवरी से और थाने क्रीक को क्रॉस करते हुए खत्म होता है नवी मुंबई के नवसेवा के पास। वेल, 2017 में MMRDA द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करने के बाद इनिशियली इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2018 में। एंड राइट नाउ इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है अप्रॉक्स 17,843 करोड़ रुपीस। बट 2004 में जब इस प्रोजेक्ट को प्रपोजल आया था, तब इसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था सिर्फ 4,000 करोड़ रुपीस। वेल, इस प्रोजेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और आज हम देखेंगे पार्ट टू और पार्ट थ्री को। फर्स्ट पार्ट में आता है 10.38 किलोमीटर, जिसमें आता है सेवरी के पास एक वाई इंटरचेंज और क्रीक के ऊपर बनता हुआ ब्रिज। और इस पार्ट को दिया गया है देश की नंबर वन कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T कंस्ट्रक्शन और IHI कॉरपोरेशन को। सेकेंड पार्ट में आता है 7.807 किलोमीटर, जिसमें आता है क्रीक में बनता हुआ ब्रिज और शिवाजी नगर के पास बनता हुआ क्लोवरलीफ इंटरचेंज। और इस पार्ट को दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट्स एंड डाइवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को। एंड थर्ड में आता है 3.613 किलोमीटर, जिसमें आता है वायडक्ट्स और इंटरचेंजेस, जो कनेक्ट होता है SH-52-54 और NH-4B के साथ। और इस पार्ट को दिया गया है वापस L&T कंस्ट्रक्शन को। इस ब्रिज की कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो दो, इस ब्रिज का टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर, बट इसमें से सिर्फ 16.5 किलोमीटर सी ब्रिज है और 5.5 किलोमीटर्स वायडक्ट्स और इंटरचेंजेस है ब्रिज के दोनों एंड में। ये एक 6-लेन ग्रेड रोड का फ्रीवे होगा, जिसका टोटल स्पैन विड्थ है 27 मीटर। और ये इंडिया की फर्स्ट ब्रिज होगा जिसमें ऑर्थोटॉपिक डेक्स का यूज किया गया है। ऑर्थोटॉपिक डेक का मतलब एक प्री फैब्रिकेटेड डेक है, जिसमें हाइटेंसिल स्टील्स को स्टिफनर के जरिए लॉन्गिट्यूडिनली या फिर हॉरिजेंटली गर्डर और डेक प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस टोटल ब्रिज का 4 किलोमीटर होगा स्टील स्पैन का और बाकी का होगा कंक्रीट स्पैन का। इस 4 किलोमीटर के स्पैन में सबसे लंबा स्पैन है 180 मीटर का, जो इंडिया का सबसे लंबा स्टील स्पैन होगा। एंड इस प्रोजेक्ट की शॉर्टेस्ट स्पैन लेंथ है 110 मीटर का। वेल, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो फाउंडेशन 100% कंप्लीट हो चुका है। पाइल कैप और पियर ऑलमोस्ट 93% कंप्लीट हो चुका है। पियर कैप 88% कंप्लीट हो चुका है। प्रीकस सेगमेंट 76%, कंक्रीट स्पैन 60% एंड OHT स्पैन ऑलमोस्ट 21% कंप्लीट हो चुका है। और ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट 83% काम कंप्लीट हो चुका है। इनिशियली ये डिसाइड किया गया था कि इस ब्रिज के नीचे से मेट्रो पास करेगा,
जो डायरेक्टली जाके कनेक्ट होगा अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। बट बाद में MMRDA ने इस प्रपोजल को रद्द किया और बाय रोड कनेक्टिविटी को अप्रूव किया। जैसा कि शिवाजी नगर के पास इंटरचेंज से ये रोड जाके कनेक्ट होगा एयरपोर्ट के साथ। और आगे ये रोड कंटिन्यू जाकर कनेक्ट होता है SH-5254 और NH-4B के साथ। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये ब्रिज क्रॉस किया है थाने क्रीक को, ताकि यहाँ के माइग्रेटरी बर्ड्स को ट्रैफिक की नॉइस इफेक्ट ना करे, उसके लिए जगह जगह पर नॉइस बैरियर्स भी दिया जाएगा। एंड ऑल्सो इस ब्रिज पे कुछ एरियाज में विजन बैरियर्स भी रखा जाएगा, क्योंकि ये ब्रिज से वावा एटोमिक रिसर्च सेंटर्स भी दिखा जाता है। इस ब्रिज पे टेम्पोररी एक्सेस के लिए नीचे से एक 5.6 किलोमीटर का रोड भी बनाया गया था। नवंबर 2021 में MMRDA ने इसे ना तोड़ते हुए घोषित किया एज ए बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म। वेल राइट नाउ इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है अक्टूबर 2023, बट जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा देन ये ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर लवर्स के लिए बहुत ही आकर्षित होगा। सो आज के वीडियो में आपने इस प्रोजेक्ट की सिर्फ नवी मुंबई की साइड ही देखा। आई होप कि जल्दी हम आपको मुंबई साइड भी दिखाने को सक्षम होंगे। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।